साल 1972 की बात है, अमेरिका से मेक्सिको जा रहा एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया। हाईजैकर्स प्लेन को क्यूबा ले गए और उनकी मांग थी कि बैंक डकैती के आरोप में पकड़े गए उनके एक साथी को रिहा कर दिया जाए और 1 करोड़ की फिरौती भी दी जाए और तब जाकर के वो प्लेन को छोड़ेंगे। प्लेन में बैठे 104 लोग अपनी जान की खैर मना रहे थे, लेकिन इसी प्लेन में बैठा एक वैज्ञानिक उसी समय कौतूहल से भरा हुआ था। इस घटना के ठीक 1 साल बाद वही वैज्ञानिक एक बार फिर एक कैद जैसी हालत में था, हालांकि इस बार कैद उसने खुद ही बनाई थी। हाईजैक वाली घटना से उस वैज्ञानिक को एक आइडिया आया, एक एक्सपेरिमेंट का आइडिया। क्या हो अगर 10 लोगों को 100 दिनों तक समंदर के बीचों बीच छोड़ दिया जाए? इस एक्सपेरिमेंट के जरिए वो बहुत पुराने सवाल का जवाब ढूंढना चाहता था। सवाल ये कि इंसान हिंसा क्यों करता है। जवाब मिला, लेकिन ऐसा जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या था ये एक्सपेरिमेंट, कैसे हुआ और क्या रहा रिजल्ट, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख। इसमें हम आपको सुनाएंगे कहानी सेक्स राफ्ट एक्सपेरिमेंट की। कहानी की शुरुआत होती है एक दूसरी कहानी से। साल 1954 का था। नोबेल पुरस्कार विजेता ब्रिटिश लेखक विलियम गोल्डिंग एक किताब लिखते हैं जो कि फेमस, या कहिए कि बहुत ही फेमस हुई। आपने वो डायलॉग सुना होगा, इसकी भाषा से हम खास एग्री नहीं करते आप, लेकिन सुधीजन की बात सुनिए। वो कहते हैं दुनिया बड़ी कुत्ती और मतलबी चीज़ है। आपने कई बार ऐसी बात सुनी होगी। आप समझिए कि बुद्धिजीवी टाइप के लोग जब ऐसी बातें करते हैं तो वो गोल्डिंग की किताब का रेफरेंस दे रहे होते हैं। किताब का नाम लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज। कहानी इसके कुछ यूं है कि एक प्लेन क्रैश के बाद कुछ लड़के एक द्वीप पर फंस जाते हैं। एक लड़का खुद को ग्रुप का लीडर घोषित कर देता है। शुरुआत में ये सब लोग मिलकर एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, एक सोसाइटी, लेकिन जल्द ही उनमें हो जाती है लड़ाई। अब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं हिंसा बढ़ती जाती है और कुछ लड़के मारे भी जाते हैं। गोल्डिंग की कहानी एक उपन्यास थी, लेकिन चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लिखी गई थी इसीलिए इसे लगभग एक रूपक के तौर पर देखा गया। दुनिया मतलब ही है, लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं। ये बातें आप लगभग रोज सुनते हैं और हो सकता है कि मानते भी हों। कई वैज्ञानिकों का तक मानना है कि इंसान एक मतलबी जीव है, वो पैदाइशी ही हिंसात्मक है, हिंसा उसके जीवन में है। मीडिया में चलने वाली खबरें भी ऐसा ही आभास दे रही हैं इन दिनों। इतने कत्ल, इतने रेप, इतने युद्ध, इंसान लगातार हिंसा कर रहा है, मतलबी साबित हो रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? अगर हाँ तो ऐसा क्यों है? मेक्सिको के वैज्ञानिक सेंटियागो जीनोस के मन में एग्जैक्टली यही सवाल था जब 1973 में उन्होंने एक परीक्षण करने का फैसला किया। जीनोस अपने समय में एंथ्रोपोलॉजी के जाने माने विशेषज्ञ थे। बंदरों पर परीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि हिंसा का एक गहन रिश्ता सेक्स के साथ है। एक दूसरे परीक्षण में उन्होंने पाया कि अलग अलग चूहों को एक जगह रख दिया जाए तो वो आक्रामक हो जाते हैं। हिंसात्मक बिहेवियर पर जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स के बाद जीनोस ने इंसानों के साथ एक परीक्षण दोहराने का फैसला किया। जीनोस ने एक नाव बनाई। नाव चलाने का अनुभव उन्हें पहले से था, हजारों साल पहले मिस्रवासी जैसे नाव बनाते थे। जीनोस ने ऐसी ही एक नाव पर लंबी यात्रा की थी। वैसे ये यात्रा भी एक दूसरे परीक्षण का हिस्सा थी जीनोस के। तब जीनोस ये पता करना चाहते थे कि पुराने लोग यात्रा कैसे करते थे। बहरहाल ताजे एक्सपेरिमेंट में जीनोस ने एक ऐसी नाव बनाई जिसमें 11 लोग रह सकते थे। कहने को ये नाव थी, हालांकि असलियत में बस एक राफ्ट थी बिना इंजन वाले, जिसमें रात को सोने के लिए केबिन बना हुआ था। इस राफ्ट का नाम उन्होंने रखा अकेले। इसके बाद हुई एक्सपेरिमेंट की शुरुआत। एक्सपेरिमेंट के लिए जीनोस को अलग अलग बैकग्राउंड के लोग चाहिए थे। उन्होंने एक विज्ञापन निकाला जिसमें दुनिया भर से आवेदन आए और अंत में चुना गया 10 लोगों को। इसके बाद यात्रा शुरू हुई। 13 मई 1973 को अकेले ने अटलांटिक महासागर में बसे कैनरी आइलैंड से मेक्सिको की तरफ यात्रा शुरू की। नाव में, या कहिए राफ्ट में, जीनोस को मिलाकर कुल 11 लोग थे। खाने पीने का इंतजाम था, एक टॉयलेट भी था जो बाहर खुले में था। इसके अलावा बिजली वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। कुल मिलाकर कहें तो 12x7 मीटर की जगह पर 11 लोगों को 100 दिनों तक रहना था और जाहिर है इसमें दिक्कत होनी थी, और यही जीनोस का प्लान भी था। वो लोगों का बिहेवियर स्टडी कर जानना चाहते थे कि इंसान हिंसा क्यों करता है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने पीस प्रोजेक्ट का नाम दिया था। उनका कहना था कि वो दुनिया में शांति की कुंजी खोजना चाहते हैं। तो क्या जीनोस को शांति की कुंजी मिली? इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि नाव पर हुआ क्या। जीनोस ने जिन लोगों को चुना था उनमें 4 लोग कुंवारे थे
और इन्हें जानबूझकर चुना गया था ताकि लोगों के बीच सेक्सुअल टेंशन पैदा हो जाए। जैसा पहले बताया, ये तो जीनोस मानकर चल रहे थे कि हिंसा के पीछे मुख्य कारण सेक्सुअल तनाव होता है। अब इन लोगों में तनाव पैदा हो, इसके लिए जीनोस ने कुछ और चीजें की। उन्होंने मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं को दे दी जबकि पुरुषों को हल्के काम दिए। जीनोस को लगा था कि महिलाओं को लीडर बनाने से पुरुष विरोध करेंगे, इसलिए नाव का कप्तान भी एक महिला को ही बनाया गया। इसके बाद समंदर के बीचों बीच शुरू हुआ बिग बॉस। अंतर बस ये था कि इस बिग बॉस में कैमरे नहीं थे। इसके बावजूद मीडिया ने चटखारे लेने में कोई कोताही नहीं बरती। यात्रा की शुरुआत के चंद दिनों के भीतर ही नाव को लेकर अफवाहें फैलने लगी। एक अखबार ने तो बड़े बड़े शब्दों में लिख दिया सेक्स राफ्ट, यहीं से नाम आ गया इसका। इस राफ्ट पर जीनोस लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि कोई विवाद पैदा हो जाए। उनको स्टडी करना था ना, चीजें मुश्किल करने के लिए उन्होंने किताब पढ़ना बैन कर दिया। यानी लोगों के पास समय गुजारने का कोई साधन नहीं बचा। ऐसे में जवान लोग सेक्स की तरफ देखते, लेकिन जीनोस ने प्राइवेसी की भी कोई गुंजाइश नहीं रखी थी। जैसा पहले हमने बताया, सिर्फ एक केबिन था जिसमें सभी लोग साथ सोते थे। सेक्स को लेकर टेंशन और गिल्ट भी पैदा हो, इसलिए जीनोस ने एक पादरी को भी इस ग्रुप में शामिल किया था। इसके अलावा मैरी नाम की महिला थी जिसकी कहानी अपने आप में ही काफी अनोखी थी। मैरी एक रोज शिप में यात्रा कर रही थी। उसने अपने दोस्त को बताया कि वो अपने पति से तलाक लेने की सोच रही थी। मैरी को पता नहीं था कि उसका पति ये बात सुन रहा था। जैसे ही पति ने ये बात सुनी, वो आग बबूला हो गया। बकौल मैरी, पति उसे जान से मारने पर उतारू था। आखिर में उसे जान बचाने के लिए शिप से पानी में कूदना पड़ा। बाद में जब उसे एक्सपेरिमेंट का विज्ञापन दिखा तो पति से बचने के लिए वो यहां आ गई थी। मैरी की तरह बाकी लोग भी अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे। कोई फायर फाइटर था, कोई वेटर था। ये लोग भरी गर्मी में बिना संसाधन समंदर में एक छोटी सी जगह पर रह रहे थे। जीनोस को उम्मीद थी कि जल्दी उनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कई दिनों तक नहीं हुआ। फिर एक रोज पता चला कि नाव एक तूफान की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में नाव के कप्तान ने फैसला किया कि वो नाव को पास में तट तक ले जाएंगे। जीनोस ने जैसे ही ये सुना, वो नाराज हो गए। उन्हें लगा कि उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है, इसलिए उन्होंने कप्तान को बर्खास्त करते हुए नाव की कमान अपने हाथ में ले ली। हालांकि जल्द ही ये जिम्मेदारी उनके लिए बड़ी टेढ़ी खीर साबित हुई। बीच समंदर में उनकी नाव एक शिप से टकराते बची। शिप देखते ही जीनोस उसके हाथ पांव फूल गए। तब शिप की पुरानी कप्तान ने संयम से काम लेते हुए नाव को सही दिशा में आगे बढ़ाया। यहां से नाव की इक्वेशन में एक बड़ा बदलाव हुआ। जीनोस को लग रहा था कि लोगों में आपस में संघर्ष पैदा होगा, लेकिन हुआ यह कि लोग इकट्ठा होकर खुद जीनोस के खिलाफ हो गए। लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज के लड़कों की कहानी के विपरीत, असलियत में लोगों को जब मुश्किल स्थिति में डाला गया, उन्होंने तमाम परेशानियों का सामना मिलकर किया, मिल बांटकर काम किया और सेक्सुअल टेंशन को भी टकराव तक नहीं पहुंचने दिया। हालांकि एक चीज जरूर हुई, ये सब लोग जीनोस से परेशान हो गए जो एकदम तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे थे। साल 2018 में इस घटना पर द राफ नाम की एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई। एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने वाले लोग इस डॉक्यूमेंट्री में बताते हैं कि एक बार तो वो सब मिलकर जीनोस को मारने को तैयार हो गए थे। उन लोगों ने प्लान भी बनाया कि जीनोस को नाव से धक्का दे देंगे। हालांकि अंत में उन लोगों ने इस प्लान पर अमल न करने का फैसला लिया। जीनोस को इसके बाद अलग थलग कर दिया गया। इस बीच जीनोस को यह खबर भी मिली कि उनकी यूनिवर्सिटी ने इस विवादास्पद एक्सपेरिमेंट से किनारा कर लिया है। अपने नोट्स में उन्होंने लिखा, इस नाव पर सिर्फ एक शख्स ने आक्रामकता दिखाई है और वो मैं खुद हूं। आगे की यात्रा में जीनोस ने खुद को एक्सपेरिमेंट से अलग कर लिया। उन्हें लग रहा था कि एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। 101 दिन बाद जब राफ्ट मेक्सिको पहुंची, तब वो विषाद से गुजर रहे थे, जबकि बाकी लोग कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद अपने अपने घर चले गए। उन्होंने कभी इस यात्रा को फेलियर की तरह नहीं देखा, उनके लिए ये एक एडवेंचर था। एक्सपेरिमेंट में हिस्सा लेने वाली एक महिला ने 2018 में ब्रिटिश अखबार गार्डियन से कहा था, ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल था। अगर जीनोस ध्यान देते तो उन्हें पता चलता कि इस एक्सपेरिमेंट से एक महत्वपूर्ण बात पता चलती है कि कैसे अजनबी लोग मुश्किल परिस्थिति में भी रिश्ता बना लेते हैं। पता चलता है कि लोग मतभेदों को दूर कर सकते हैं और यही हिंसा का हल भी है। जीनोस को ये बात उस समय समझ नहीं आई, हालांकि बाद में उन्होंने हिंसा पर एक पॉलिसी पेपर लिखा जिसे 1989 में यूनेस्को की जनरल कॉन्फ्रेंस में अडॉप्ट भी किया गया। आज भी ये यूनेस्को का मान्यता प्राप्त डॉक्यूमेंट है जो कहता है, सुनिएगा ध्यान से, हिंसा इंसान के नेचर में है, ये बात अवैज्ञानिक है। जैसे हिंसा इंसान के दिमाग में पैदा होती है, वैसे ही शांति की शुरुआत भी इंसानी दिमाग से ही होती है। यूनेस्को ये बात मानता है, लेकिन इस इकलौते एक्सपेरिमेंट से हो सकता है आप इस बात से सहमत न हो, लेकिन जरा गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि आम जिंदगी में एक इंसान को हजारों व्यक्ति मिलते हैं, इनमें से 99% अनुभव अच्छे या कम से कम बुरे तो नहीं होते हैं।
अजनबी लोग भी अधिकतर अच्छा ही बिहेव करते हैं, कोई लिफ्ट रोक देता है, कोई रास्ता बता देता है, लेकिन इसके बावजूद हमारा दिमाग ये मानने के लिए कंडीशन कर दिया गया है कि लोग बुरे होते हैं, दुनिया बुरी है, क्योंकि एक बुरा अनुभव हज़ार अच्छे अनुभवों से ज़्यादा ताकतवर होता है, यह हम बना लेते हैं, ज़्यादा देर तक याद भी रह जाता है। बाकी मीडिया तो है ही ये बताने के लिए कि दुनिया की हर समस्या आपकी व्यक्तिगत समस्या, जैसा कि रॉकस्टार में ढिंगरा कहता है, नेगेटिव बिकता है। हम नहीं कह रहे हैं, डच इतिहासकार रटगर ब्रेगमैन अपनी किताब ह्यूमन काइंड अ होपफुल हिस्ट्री में एक दिलचस्प बात बताते हैं। ब्रेगमैन लिखते हैं कि जब उन्होंने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज पढ़ी, उन्होंने जानने की कोशिश की कि क्या सच में कभी ऐसा हुआ कि कुछ लोग आइलैंड पर छूट गए हों। ब्रेगमैन को पता चला कि 1965 में ऐसा एक बार हुआ जिसमें 6 टीनेजर लड़के प्रशांत महासागर के एक द्वीप पर फंस गए थे। इस केस में हालांकि वो लोग लड़ नहीं मरे, बल्कि सालों तक उन्होंने आपस में मिलकर खुद को जिंदा रखा, तब तक जब तक उन्हें बचा नहीं लिया गया। हालांकि ये कहानी लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की तरह फेमस नहीं हुई, न इसकी करोड़ों प्रतियां मिली। इस बात को आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर इस वीडियो के थंब में हम लिखते हैं कि नाव पर 10 लोग 100 दिनों तक मिलजुल कर रहे, तो इस वीडियो पर क्या आप क्लिक करते? ये सवाल हमें अपने आप से पूछना है। बहरहाल आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं। शानदार एपिसोड कमल ने लिखा और इसे प्रस्तुत किया आपके सामने निखिल ने। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया है अमित ने और इसे जिसने एडिट किया है उनका नाम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते रहिए द ललन टॉप।